प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला किया है। लोकतंत्र के लिए परिवारवाद को घातक करार देते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटने के प्रयास करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ पार्टियां पूरे इकोसिस्टम के साथ, पूरी शक्ति के साथ देश के विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि परिवारवाद पार्टियों को पीछे ले जाने पर तुला है। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हुई है। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है, परिवार के लिए चलता है, परिवार के खातिर ही करता है। भाजपा को इन परिवारवादी पार्टियों से निरंतर मुकाबला कर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैरिबियाई देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की गवर्नर जनरल डेम सुसान डॉगन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने कर संग्रह से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और सहयोग और प्राचीन कॉलडेर समुदाय के उन्नयन की परियोजना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ने वहां की संसद को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार हो ताकि वे सामयिक वैश्विक परिस्थिति को व्यक्त कर सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री राल्फ गिंजाविल्स और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में किंग्स टाउन में स्थित कॉल्डर रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव भारत मार्ग किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधायकों के ई विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा आचरण सदन के मर्यादानुकूल हो, हमारी सक्रियता जन आकांक्षाओं की पूर्ति करे, इसी ध्येय पर काम करते हुए हमें सदन की प्रतिष्ठा रखनी होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के फिल्मांकन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि इस मामले की संवेदनशीलता के कारण इसे वाराणसी जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित किया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। सीबीआई ने आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे प्राथमिकी में बदल दिया गया है। जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई ने दिल्ली, पटना और गोपालगंज में 16 स्थानों पर तलाशी ली। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के 2008 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरियों के बदले में यादव परिवार को कई संपत्तियां दी गई जो प्रमुख स्थानों पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले की जांच रिपोर्ट को पर्यवेक्षी न्यायाधीश को सौंपे जाने की समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि ये 4 सप्ताह में पूरी हो जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर 29 मोबाइल फोन की जांच हो रही है। तकनीकी समिति कुछ खास लोगों के बयान दर्ज कर रही है। आरबीआई के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार को 30,307 करोड़ रुपए का लाभांश देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में सरकार को लाभांश देने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का आकस्मिक
जोखिम बफर 5.50% पर बनाए रखने के फैसला को भी बरकरार रखा गया है। पिछले साल मई में आरबीआई ने जुलाई में 2020 से मार्च 2021 तक के 9 महीनों की अवधि के लिए 99,122 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान की घोषणा की थी। श्रीना वोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी जमानत की प्रक्रिया पूरी कर शुक्रवार को जेल से बाहर आ गईं। उन्हें बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। अदालत द्वारा 2,00,000 रुपए के मुचकले पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए गए थे। ये राशि 2 हफ्ते के भीतर जमा करनी होगी। इंद्राणी मुखर्जी पिछली शादी से अपनी बेटी श्रीना वोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियां ओला और उबर की अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्राधिकरण ने नोटिस का जवाब देने के लिए ओला और उबर को 15 दिन का समय दिया है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। प्रदेश के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, तो वहीं करीब 7.5 लाख लोग बेघर हैं। असम के नगांव जिले में सबसे ज्यादा 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। इसके बाद कछार में करीब 1,60,000 और होजाली में 1,00,000 लोग प्रभावित हैं। फिलहाल 1,790 गांव पानी में डूब चुके हैं और पूरे प्रदेश में 64,000 हेक्टेयर की जो फसल है वो नष्ट हो गई है। बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में ठहरे हैं। सेना, अर्धसैनिक बलों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। तो वहीं राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने शुक्रवार को जापान की दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी अकाने यामागुची पर 3 गेम में जीत दर्ज कर थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। छठी वरीयता प्राप्त भारतीय ने जापान की दूसरी वरीय खिलाड़ी को 51 मिनट में 21-15, 20-22, 21-13 से हराया और अब उनका सामना चीन की ओलंपिक चैंपियन चैन यू फेई से होगा। और राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने वाले परिसीमन आयोग के आदेश को लागू कर दिया है। 20 मई यानी कि कल से जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रभावी हो गया है। इस तरह से जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में 6 जबकि कश्मीर घाटी में 1 विधानसभा सीट बढ़ाई है। साथ ही राजौरी और पुंछ क्षेत्र को अनंतनाग संसदीय क्षेत्र के तहत लाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल कुछ लोग अभी भी उसमें फंसे हैं। पुलिस और सेना राहत और बचाव के काम में जुटी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के टंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। साथ ही दूसरे आतंकवादियों की तलाश भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। और इसके अलावा अब अगर हम अगली खबर का रुख करें उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में करीब 24 घंटे बंद रहने के बाद गुरुवार को वाहनों की आवाजाही के लिए खुला ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को सड़क धंसने से फिर से बंद हो गया। राजमार्ग बंद होने से कई बड़े वाहन और दर्जनों दूसरे छोटे वाहन जान की चट्टी में फंसे हैं। मार्ग खोले जाने की कार्यवाही लगातार जारी है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 के रोड रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 1 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के 1 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया। रोड रेस की घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज सीतापुर जेल से रिहा कर दिया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थकों ने करीब 27 माह बाद जेल से बाहर आने पर उनका स्वागत किया। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ईडी की हिरासत की अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अदालत ने 16 मई को पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को 4 दिन की ईडी हिरासत में भेजा था।
बिहार में प्रचंड गर्मी के बाद आए आंधी तूफान ने राहत से ज्यादा लोगों को खौफ में डाल दिया है। कुछ घंटों की बारिश और आंधी की वजह से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने के कारण सभी ने जान गंवाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया और मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हादसे पर चिंता जताई, मृतकों के प्रति शोक जताया है। राज्यवार और राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए आज मतदान होगा। इसमें महामारी के कारण बढ़ी महंगाई, जलवायु परिवर्तन और चीन से संभावित सैन्य खतरा मुद्दा प्रमुख मुद्दा है। आपको बता दें कि हालिया वर्षों में आप अपना कार्यकाल पूरा करने वाले स्कॉट मॉरिसन देश के पहले पीएम बन गए हैं। उनसे मुकाबले में लेबर पार्टी के एंटनी अल्बानसी इस बार मैदान में हैं। और इसी बीच पीएम स्कॉट मॉरिसन का कंजर्वेटिव गठबंधन चौथी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर रहा है। भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्रों में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताया। राजेश परिहार ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का एक अभिन्न हिस्सा था और हिस्सा है और आगे भी रहेगा। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इससे कोई भी देश इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारी मदद करना चाहता है तो वह स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद को रोकने में योगदान दे सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सियोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग योल की तरफ से आयोजित एक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि बतौर अमेरिकी नेता जो बाइडेन की पहली एशिया यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ अपनी बैठक के दौरान नियम आधारित बहुपक्षवाद के लिए भारत के मजबूत समर्थन की पुष्टि की। इस बैठक के बाद उन्होंने भारतीय प्रवासियों के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए दाओस रवाना होने वाले हैं। पीयूष गोयल वहां पर 23 से 25 मई तक दाओस में विश्व आर्थिक मंच में मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और उद्योग जगत के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयिप एर्दोगन स्वीडन और फिनलैंड द्वारा नाटो में शामिल होने की बोली पर ब्रिटिश और फिनिश नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के लिए सभी 30 नाटो सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता है। हेलसिंकी और स्वीडन द्वारा नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने से रूस नाराज है। रूस ने फिनलैंड के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें की जा रही गैस आपूर्ति में भारी कटौती करने का फैसला किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के मारियुपोल इलाके में अपना पूरी तरह से नियंत्रण होने की बात कही है। इससे पहले शुक्रवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क के लिसिचांस्क और सेवरेडोनेत्स्क शहरों पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार प्रमुख मिशेल बाचलेट 23 मई को चीन की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा के दौरान मिशेल शिनजियांग इलाके में भी जाएंगे जहां अधिकारियों पर व्यापक उल्लंघन का आरोप है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंकाई लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। भारत की तरफ से श्रीलंका के लोगों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री से भरा जहाज रविवार को कोलंबो पहुंच जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं श्रीलंका के लोगों को मदद मिलेगी। और